सो गाइज, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सैमसंग के A51 डिवाइस के अंदर आपको रिसेंटली One UI 3.0 का जो अपडेट है वो यहाँ पे देखने को मिला था। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही फास्टली One UI 3.0 के जो फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए। आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, न्यू वॉल्यूम डिज़ाइन है जो कि यहाँ पे दिया गया है इसी गैलेक्सी A51 डिवाइस के अंदर। आपको One UI 3.0 अपडेट रिसीव होने के बाद में बहुत ही कमाल लगता है दिखने में। और सेकंड फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो वो है न्यू नोटिफिकेशन शेड, तो बहुत ही कमाल का लगता है। एक ब्लर इफेक्ट है जो कि यहाँ पे क्रिएट होता है बैकग्राउंड में। और थर्ड फीचर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो, कॉल बैकग्राउंड वाला जो फीचर है वो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे सेट करके बताने वाला हूँ और भी कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, कॉल बैकग्राउंड के अंदर जाने के बाद में गैलरी से आप लोग अपने हिसाब से जो वीडियो क्लिप है उसको यहाँ पे चूज करके सेट कर सकते हो। और आप लोग जैसा कि देख सकते हो, मैं किसी को डायल करता हूँ तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का न्यू इंटरफेस है, कॉलिंग इंटरफेस है, वो यहाँ पे दिखने में बहुत ही कमाल का लगता है। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, इसको अगर मैं कट करता हूँ तो भी एक नया इंटरफेस है जो कि यहाँ पे क्रिएट होता है, जो कि One UI 2.5 से कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक और कमाल का फीचर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, जो कि मैं अपने S20 Plus डिवाइस के अंदर यूज़ करता हूँ। इसको आप लोगों को ऑन करना पड़ेगा, बाई डिफ़ॉल्ट ये आपको ऑफ देखने को मिलता है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, S20 Plus जो डिवाइस है इसके अंदर बहुत ही पहले ही अपडेट आ चुका था। और आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको हमेशा से ऑन करके रखना है। आप लोग देख सकते हो कौन से टाइम पे आपको क्या नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत ही कमाल का फीचर है। नेक्स्ट फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो वो है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। बबल वाली पे अगर मैं सेट करता हूँ और अगर मैसेज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो, व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो आपको बबल के टाइप में यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। इसको इंटरफेस है जो न्यू विंडो है, इसको यहाँ पे स्मॉल कर सकता हूँ, और भी ज़्यादा स्मॉल कर सकता हूँ, और इसको भी स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ। और इसको यहाँ पर अभी कट कर देते हैं और नेक्स्ट फीचर के बारे में जान लेते हैं। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं डबल टैप, जो कि एक बहुत ही कमाल फीचर आपको दिया गया है इसी अपडेट के अंदर। डबल टैप से स्क्रीन ऑन भी होगी और ऑफ भी होगी, और फिंगरप्रिंट का जो लोगो है वो यहाँ पे थोड़ा बड़ा किया गया है, और फास्ट है, बहुत ही फास्ट आपको देखने को मिलता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।